પરસાદી કહેવાય हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोले भंडारी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी का भला करें। और ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे चलते हैं मंदिर की ओर। हमारे गांव के बहुत ही पुराने महादेव के मंदिर के अंदर चल के आप सभी को मैं उस बिलेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। मेरे गांव का सबसे पुराना मंदिर बिलेश्वर महादेव का 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है मंदिर। ये सब जो पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं वो सभी बिली पत्र के पेड़ हैं। मंदिर के अंदर बिली पत्र के बहुत सारे पेड़ हैं, 500 से भी ज़्यादा पेड़ हैं। इसीलिए मंदिर का नाम बिलेश्वर पड़ा हुआ है, ऐसी लोकवाय का है। मंदिर के सामने ही आपको बिली के ये सब पेड़ देखने को मिलेंगे। और यही बिली पत्र तोड़कर श्रावण के महीने में महादेव को अर्पण किया जाता है। फ्रेंड्स, आज का पूरे दिन का शेड्यूल इस मंदिर का फिक्स होता है। पहले दर्शन होते हैं, फिर यहाँ पर प्रसादी भी सब लोग लेते हैं, भांग की प्रसादी। और रात को पूरी रात यहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ होती है। पूरी रात शिव जी की पूजा पाठ सब लोग करते हैं। और रात को गांव के भक्तजन मिलकर यहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं, शिव जी के गुणगान गाते हैं और शिव जी को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रसादी की बात की तो चलो प्रसादी लेते हैं, भांग की। चलो दिखाता हूँ। Thank you.
हर महादेव। हर महादेव। पूरे दिन तक पांकी प्रसाद बनेगी और सभी श्रद्धालुओं को यही प्रसाद पिलाई जाएगी। हर हर महादेव। महादेव का प्रसाद पान बनना। दोनों झुंड बिलेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हमारे गांव के एक और शिवालय के अंदर मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ, जिसका नाम है वाणीनाथ महादेव का मंदिर, जो भी बहुत प्राचीन है। तो चलो मैं आपको उसके भी दर्शन करवाता हूँ। राती नो मालवानो हो यहाँ पर भी पांकी प्रसाद है। मैंने भी ली थोड़ी प्रसादी। दोनों मंदिर के दर्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने किए और सुकून भी मिला आज की इस जर्नी को करके। और वंस अगेन आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय भोले भंडारी।